हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। आज का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मर्ज सॉर्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस परफॉर्म्ड बाय मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इन मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ लेंथ टू इज। तो गाइस, क्या होता है कि कई बार हम इस क्वेश्चन को, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमारे माइंड में आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की, एन लॉग एन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 4। तो बेस 2 अगर हम बात करें यहां पे, तो 4 इंटू लॉग 4 बेस 2 इज 2, 8। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 लिस्ट है और हर लिस्ट में 2 एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो यहां पे आंसर क्या आ गया आपका, 2। मतलब 2 कंपैरिजंस हैं। लेकिन गाइस, गेट में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, गेट लेवल के क्वेश्चन में, यहां पे नेट टाइप का क्वेश्चन है ये, तो बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन एक बार रुक जाना। क्यों? क्योंकि होता क्या है गेट में, अगर आपका आंसर इतनी जल्दी आ रहा है ना, तो उसके बाद फिर भी एक बार उसको रीचेक कर लेना, क्योंकि हमारे पास गेट में इनफ टाइम है, 3 मिनट होते हैं अप्रॉक्सीमेट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार खुद पे ही चेक करना कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो थोड़ा सा एक बार रीवैल्यूएट करना कि हाँ, मैंने जो परफॉर्म किया वो सही है या नहीं है। तो यहां पे देखो, अगर आप इस तरीके से इसको करोगे और 2 लगाओगे यहां पे, तो आंसर आपका गलत आएगा। रीजन, यहां पे आपने जो इनर, यहां पे ये जो छोटा सा इसमें पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आपने नहीं पकड़ा, तो आपका आंसर गलत है। अगर हम बात करें मर्ज सॉर्टिंग की, मर्ज सॉर्टिंग काम कैसे करता है, मर्ज सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, 2 लिस्ट से एलिमेंट्स को कंपेयर करके फाइनल एक लिस्ट में लेके आते हैं, और सॉर्टेड लिस्ट में वो एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिए हैं। तो फाइनल में वो किस तरीके से दिखेंगे, 1, 2, 3, 4 सॉर्टेड ऑर्डर में, और यहां पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये जो 2 लिस्ट है हमारे पास, ये 2 लिस्ट भी हमें क्या गिवन है कि सॉर्टेड है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये लिखी होंगी। लेकिन यहां पे एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो क्या है, अगर ये इस तरीके से लिखी हो, 1, 3, 2, 4, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ये देखो, इस लिस्ट में भी सॉर्टेड है, इस लिस्ट में भी सॉर्टेड है, तो फाइनल में आंसर तो इसमें भी 1, 2, 3, 4 ही आएगा। एक और पॉसिबिलिटी गाइस, क्या 1, 4, 2, 3, तो आपको इन तीनों पॉसिबिलिटीज में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालने हैं, फिर आपको डिवाइड करना है। तो यहां पे अगर हम बात करें मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, दोनों लिस्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर पॉइंटर रखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो स्मॉल एलिमेंट है उसको हम फाइनल लिस्ट में लेके आते हैं। जैसे 1 और 3 को कंपेयर किया, स्मॉलर कौन है, 1, तो 1 को हम यहां पे ले आए, कंपैरिजन कितने हो गए, 1 कंपैरिजन किया, पॉइंटर को शिफ्ट कर दिया, जिसको हम लेके आए उस वाले पॉइंटर को नेक्स्ट मूव कर दिया, 2 पे आ गया, इसको फिक्स रखा हुआ है 3 पे, 2 और 3 को कंपेयर किया, कौन स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है, तो एक और कंपैरिजन किया, 2 कंपैरिजन हो गए, 1 और 2 यहां पे आ गए, ये लिस्ट एम्प्टी हो गई। अब फाइनल ये वाली लिस्ट में कोई कंपैरिजन है ही नहीं यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट 3 और 4 डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे विदाउट एनी कंपैरिजन। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इस केस 1 में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए, 2। इस केस की बात करें तो यहां पे फाइनल लिस्ट में कैसे आएंगे, यहां पे एक पॉइंटर रखा, यहां पे एक पॉइंटर रखा, 1 और 2, दोनों में से स्मॉलर कौन है, 1, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, 1, देन यहां से पॉइंटर मूव कर दिया हमने 3 पे, 3 और 2 में से कंपेयर किया, कौन स्मॉलर है, 2, पॉइंटर मूव कर दिया 4 पे, एक और कंपैरिजन हो गया यहां पे, देन 3 और 4 में से स्मॉलर कौन है, 3 और 4 में से स्मॉलर है 3, तो यहां पे एक और कंपैरिजन परफॉर्म किया। अब दोनों लिस्ट यहां पे, ये वाली लिस्ट खाली होगी, लेकिन इस एलिमेंट, इस लिस्ट में 4 लास्ट बचा हुआ है, तो ये बिना कोई कंपैरिजन के यहां पे आ जाएगा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में हमेशा याद रखना, अगर एक लिस्ट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरी लिस्ट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, मैक्सिमम m प्लस n माइनस 1, तो मैक्सिमम इतने होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, जैसे इसमें इससे भी कम है, तो यहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन टोटल कितने हो गए, 3। देन फाइनल केस की अगर हम बात करें, केस 3 की, तो यहां पे देखो 1 और 2 में से स्मॉलर कौन है, 1, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पे पहला हो गया, पॉइंटर को हमने 4 पे मूव कर दिया, इसको यहीं पे रखा, 2 और 4 में से स्मॉलर कौन है, 2, पॉइंटर को हमने यहां से मूव करवा दिया, एक और कंपैरिजन हो गया, 3 और 4 में से स्मॉलर कौन है, 3, तो यहां पे एक और कंपैरिजन हुआ, 3 यहां पे आ गया, और ये फाइनल जो 4 है, ये विदाउट एनी कंपैरिजन यहां पे
आ जाएगा। तो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन निकालो कितने हुए, 2 + 3 + 3 विच इज व्हाट 8, 8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस कितने थे 1 2 3, 8 डिवाइड बाय 3 तो 2.66 जिसको आप राउंड ऑफ करके 2.67 में लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। मतलब गेट में हमेशा याद रखना गाइस कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट दिया होता है जिसको आपको बस उस पॉइंट को पकड़ना है और आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग क्या है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए, सॉर्टेड क्या होता है, कंपैरिजन क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। लेकिन एक जो छोटा सा क्लू क्या था वो यही था, एक केस में नहीं लेके नहीं चलना, हमने तीन केस बनाने हैं, जो तीन पॉसिबल केसेस है उनके फाइनल कंपैरिजन निकालो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस करो। दिस इज द एक्चुअल एवरेज, ना कि ये एवरेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मर्ज सॉर्ट। थैंक यू।